तो गाइस फिलहाल के हम लोग यहाँ पे रुके थे। लास्ट टाइम कब गया था? जब मैं गिरा था मुंडा। जरा सी दिल पे दे जगा तू। The pinks and the white ones are dandelions. माँ की कसम वो भालू था, वो भालू ना पहाड़ों में ना ऐसे ऐसे कोहरा हो रहा था लिटरली। तुम ये चेक करो, समझने की कोशिश करना कि एक प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, अच्छे से कमेंट कर देना। आई लव यू गाइस। फिलहाल हम लोग व्लॉग शुरू करते हैं, ठीक है? Alright, so hey guys, कैसे हो आप सब? होप करता हूँ सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग गाइस। फाइनली हम लोगों का व्लॉग शुरू हो चुका है। एंड प्लीज़ मेरी आवाज़ थोड़ी अभी लो हो रही होगी क्योंकि मैं सो के उठा हुआ ना। एंड जब तक मैं ना चाय नहीं पीऊँगा ना, दो तीन सिप चाय की नहीं पियेंगे जब तक हम लोग, तब तक मुझे होश नहीं आएगा। मुझे व्लॉग शुरू करना था। हम लोग नीचे चलते हैं, चार्ज करते हैं, उसके बाद तुम लोगों से मिलती हूं। बाय। वो चेक करो, बहुत बॉम्ब लग रहा है। वो आलू का पराठा बनाया है। टाइम दिखा दो लिटरली तुम। यहाँ ये चेक करो, ऐसे भी घड़ी 15 मिनट आगे। हम लोगों ने अपना सारा सामान पैक कर दिया, ठीक है? हेलमेट रख लिए, बैग में सारा सामान है, कैमरा पूरा चार्ज है, ग्लव्स हैं, एंड थोड़ा बहुत वो कर लेना। मैंने काफ़ी गंदा हो रखा है। हम लोगों पे एनफोबिया और हम लोगों पे एवेंजर भी है। एंड मैं तुम लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, इन दोनों का क्या सीन है। रॉयल एनफील्ड है ना, गाड़ी बहुत बॉम्ब है, ये भी गाड़ी बहुत बॉम्ब है। बट अगर तुम थोड़ी लॉन्ग ट्रिप मार रहे हो, थोड़ा दूर तक जा रहे हो, हम लोगों को अराउंड जाना है 175 किलोमीटर, ठीक है? तो 175 किलोमीटर काफ़ी दूर है, तो अकॉर्डिंग टू 175 किलोमीटर इसमें ज़्यादा कम्फर्ट आएगा क्योंकि इसमें एक बैग ये है ना, तो तुम्हारी कमर को सपोर्ट मिलता है। जा रहे हैं आपको, हमारी याद तो नहीं आई मम्मी? याद क्यों आएगी, घर का काम नहीं करना? मैं मेरी माना बेचारी 5 बजे उठे, मेरे लालू के पराठे बनाने वाले तुम्हें। तो भाई हम लोग निकल रहे हैं, ठीक है? ठंड लगेगी हमारे साथ जा रहा है धर्मवीर। क्या ले भाई, बढ़िया। तो ना इस पे 300 का फ्यूल अप करवा रहे हैं, ठीक है? बढ़िया बढ़िया, बारह भी ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा। तो भाई तुम लोग ना ये चेक करो भाई, इस तरफ पूरा बारिश हुई है, तभी ये देख रहे हो पूरी रोड गिल्ली हो रही है। एंड इतना ठंडा हो गया ना लिटरली, तुम्हें क्या बताओ, और आगे तो और ज़्यादा ठंडा होगा भाई फॉर श्योर। तो गाइस फिलहाल के हम लोग यहाँ पे रुके थे मसूरी वाली रोड में, ठीक है? एंड बेसिकली हम लोग इससे रुके थे क्योंकि इसने सुबह से कुछ नहीं खाया था, ठीक है? एंड हम लोग ना मंदिर जा रहे थे, तो मैंने ऐसे बोला ताई के सामने कि कुछ मत खा के जाना है, कुछ नहीं खा के आया लिटरली। तो अभी ये चाय और बिस्किट खा रहा है, और आगे से थोड़ा बहुत कुछ और खिला देंगे। सर लास्ट टाइम कब गया था? जब मैं गिरा था मुंडा। भाई ये ना लिटरली हम लोगों के साथ जब सबसे एक बार जिंदगी में पहली बार आया था बोलो हम लोगों के साथ, और उसी दिन ना इसका एक्सीडेंट क्रैश हो गया था। उस टाइम ना हम लोगों ने कुछ रिकॉर्ड नहीं करा, बहुत ये रोड पर ना ऐसे लेटा हुआ था हाथियाँ करके। हाउ इज योर एक्सपीरियंस, एक साल बाद हमारे साथ जा रहे हो, एक्साइटेड हो? आज तो कोई दिक्कत नहीं, हम साथ हैं तीनों, कुछ नहीं होगा। आज अगर भगवान ना करे कुछ ऐसा हो तो तीनों साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रज्ञा भी जा रही है। एंड प्रज्ञा क्या हाल है? प्रज्ञा बढ़िया। एंड प्रज्ञा ना आधी लोगों के बैच की है, तो चलते हैं मिलते हैं तुम लोगों से। चलो ये शर्मा रहा था प्रज्ञा से भाई। देखा उल्टा कर, निकाल निकाल इसे निकालना भाई। लिटरली ये जगह इतनी प्यारी है ना, ठंड लग रही है वहाँ की कसम बहुत ज्यादा, इसको भी मुझे भी। अरे मुझे नहीं लग रही भाई, क्यों अभी तो कैसा धूल की भरा हुआ झूठे तो हो रहा है, बट जगह बहुत प्यारी है लिटरली। ये चेक करो, फिर भी किसी की वीडियो को देखी ये मत सोचना जगह बहुत पास है। हम लोगों ने किसी की वीडियो देखी थी एंड हम लोगों ने सोचा यहीं पे होगा, ज़्यादा दूर नहीं होगा, बट भाई ये लिटरली इतना दूर है ना, अभी भी यहाँ से पता है 35 किलोमीटर है। 35 किलोमीटर जरा सी दिल पे दे जगा तू। ठीक है गाइस, हम लोग जस्ट ऐसे रुके हुए थे क्योंकि हमें काफ़ी भूख लग रही। हम लोगों को काफ़ी भूख लग रही थी, तो हम लोग ना स्नैक्स खा रहे थे, फन क्लिप्स था, कुरकुरे थे, सब चीज़ें, फोटो शूट करे थे। तो यहाँ से कितना रास्ता रह गया प्रज्ञा, यहाँ से कितनी दूर रहेगा? नहीं फूल इकट्ठे करे, क्या बोलते हैं ना, dandelions, the pinks and the white ones are dandelions, the pinks and the white ones are dandelions and aage dandelions. Shit.
सो गाइस हम लोग कहीं जाए हम लोगों के साथ बीट ना हो भाई, ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती। तुम लोग ये चेक करो, उसके ना बेचारे के मधुमक्खी ने काट दिया, हल्का सा दिखा उसके उसके ना पे हल्की सी स्वेलिंग शुरू हो चुकी है। 6 किलोमीटर दूर रह गया था देवलसरी, बट ये चेक करो भाई इतनी तेज बारिश शुरू होगी ना। सो गाइस लिटरली मैं तुम लोगों को एक चीज बताता हूँ, हम लोगों का इतना मन था ना, हम ना इतनी दूर से है ना, बिलीव गाइस हम लोग ना 100 किलोमीटर आए अपने घर से यहाँ तक। इस जगह मंदिर सिर्फ 2 किलोमीटर दूर था एंड हम लोग ना हमने 3-4 किलोमीटर ना भीगते भीगते कवर करा, हमने सोचा पहुँच जाएंगे। बट बीटी क्या हुई, जैसे पहाड़ थे ना, पहाड़ में ना जैसे बारिश होती है ना तो मतलब जो पहाड़ के चिपका के रखते हैं मिट्टी, ऊपर से इतना सारा मतलब कीचड़ वाला पानी आ रहा था ना, तो भाई ने बोला बहुत रिस्क है भाई, एंड ऊपर से ना पत्थर भी गिरे थे लैंडस्लाइड वाले। तो हम लोग आगे ये चेक करो, हम लोग तो बरसाती थे थोड़ी, बट हम लोग फिर भी भीग चुके हैं भाई, लिटरली हमारे शूज़ के अंदर पानी आ चुका है, ये भी पूरा भीग चुका है और वहाँ ना प्रज्ञा भी पूरी भीग चुके हैं साथी भाई लोग सब। भाई हम लोगों को इतना मन था ना कि हम लोग 100 किलोमीटर दूर आए एंड फिर यहाँ के, बट कोई बात नहीं गाइज, पहले अगर हम लोग बचे रहेंगे ना तो हम लोग किसी और दिन भी आ जाएंगे। एंड एक और चीज़ बता दो, हम लोग जब वहाँ से आ रहे थे ना, इसकी नज़र ना जस्ट ऐसी पड़ी कि कुत्ता भौंका और वहाँ से ना कुछ काली सी चीज़ पहाड़ में भाग के गई ऐसे ऐसे, हमने सोचा बकरी वकरी होगी एंड लिटरली जब हम लोगों ने देखा भालू था, माँ की कसम वो भालू था, वो भालू ना पहाड़ों में ना ऐसे 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 भाग रहा था, भयंकर तेरी नज़र भी कैसे गई ना। चाय पियेंगे शरीर में गर्मी आ जाएगी तो थोड़ा आगे तक चल लेंगे। तुम ये चेक करो भाई, देख रहे हो मस्त लग रहा है कितना, फटाफट खाते पीते हैं निकलते हैं आगे। स्टे ट्यून्ड। सो गाइस यहाँ का मौसम इतना भयंकर हो चुका है ना भाई, कोहरा हो रहा है लिटरली, तुम ये चेक करो इतना कोहरा हो रहा है ना, क्या बताऊँ। तो हम लोग ने ज्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं करे क्योंकि बारिश भी आ रही है ना एंड ठंड काफी लग रही है। तो गाइस हम लोगों की चाय आ चुकी है जिसकी हम लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत थी भाई, एंड मैंने तुमने शूज खोल दिए क्योंकि मेरे सॉक्स यहाँ रेड फूल होता है, मेरे ना सॉक्स गीले हो रहे थे तो मैंने अपने शूज खोल दिए भाई, एंड पाँव की हालत देखो कैसे हो गए। सो गाइस फाइनली हम लोगों की बंटिक्की भी आ चुकी है। सो सॉरी गाइस हम लोग वहाँ नहीं जा पाए, बट समझने की कोशिश करना कि एक आधा पत्थर फरक जाता ना, हम खत्म थे भाई सारे वहाँ पे, एंड हम घर से ना 80-90 किलोमीटर गए थे उधर और आने का लगाए तो 170+ किलोमीटर, तो नहीं जा पाए, रिस्क बहुत था। तो हम लोग आ गए, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वाला व्लॉग अच्छा, क्या ही अच्छा लगा होगा तुम लोगों को, जो दिखाने गया तो दिखा नहीं पाया। मिलते तुमसे नेक्स्ट